हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। तो मैं हूं प्रियंका जैन और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूं यहां पर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर इन सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024। ठीक है, जून का एग्जाम हो चुका है। आई होप आप सभी ने अपना बेस्ट दिया होगा। फिर भी आप में से काफी स्टूडेंट्स दिसंबर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे और काफी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दिसंबर के एग्जाम के लिए अभी तैयारी करना स्टार्ट करी है। ठीक है, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने बुक्स के बारे में पूछा था, तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बुक्स के नेम बताए थे। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां से बुक्स के नेम देख सकते हैं, काफी अच्छी बुक्स है। और इन सबको डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको लिंक भी वहां पर दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो पर जा सकते हैं और बुक्स के नेम्स देख सकते हैं। ठीक है, वो पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो आज के वीडियो में हम लोगों को देखना है कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 के लिए, अगर आप न्यूली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, बिफोर वी गो टू दैट, उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने अपने चैनल पर पहले भी डाला हुआ था। सो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट आई हैव लॉन्च्ड अ ऐप। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ऐप लॉन्च किया है। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी, आप लोग चाहते थे कि कोर्स, एक पूरा फुल कोर्स आपको मिले, एक पूरा ऐप पर आप कोर्स चाहते थे, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ऐप लॉन्च किया है, दैट इज प्रियंका जैन केमिस्ट्री। इस नाम से ऐप है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आपको नहीं होता है तो इसका लिंक यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज द लिंक, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप वहां से भी ले सकते हैं। तो दिस इज द लिंक फॉर अवर एप्लीकेशन। ओके, आपको इस एप्लीकेशन पर जाना है। वहां पर मैंने अभी रिसेंटली सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 के लिए एक कोर्स लॉन्च कर दिया है। आपको इस कोर्स में क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। दिस इज अ कोर्स फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके लिए मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कोर्स सबसे पहले स्टार्ट किया है। यहाँ पर आपको फुल सिलेबस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी यूनिट्स आपकी कवर होने वाली है। सबसे पहले आपकी होगी केमिकल बॉन्डिंग। ओके, केमिकल बॉन्डिंग के बाद आपका आता है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, अभी मैंने रिसेंटली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीडियोस भी डाल दिए हैं और आपको यहाँ पर डेली एक वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग होगी, फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होगी, ऑर्गेनोमेटेलिक्स भी होगी, एसिड बेस एंड नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स, पी ब्लॉक की केमिस्ट्री होगी, यानी मेन ग्रुप एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर एनएमआर, इनऑर्गेनिक एनएमआर भी मिलेगा। इसमें आपको 19F भी मिलेगा। ठीक है, 19F की भी पूरी आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई जाएगी। 31P फॉस्फोरस का जो आपसे पूछा जा रहा है आजकल रिसेंटली, वो सारा कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। ऑर्गेनोमेटेलिक से रिलेटेड एनएमआर भी आपको मिलेगा यहाँ पर, और इसके अलावा ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसमें इंक्लूड होगी और MOSFAR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इंक्लूड होगी। ठीक है, ये होगा सारा आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये आपको मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री के बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एयर फ्लो की केमिस्ट्री। ठीक है, इट मींस टू से सारे टॉपिक्स जितने भी आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, मैं सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपको कवर कराने वाली हूँ। और वन मोर टॉपिक, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ये भी आपको मिलेगा। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगी वन बाय वन, एक एक यूनिट कवर की जाएगी आपकी, और हर यूनिट में आपको डेली एक वीडियो मिलेगा। अगर मुझे नीड लगेगी, ऐसा लगता है मुझे अगर कि ज्यादा वीडियोस की नीडेड है, वीडियो छोटा है, तो एक दिन में दो वीडियोस भी अपलोड किए जा सकते हैं। ठीक है, और इन वीडियोस के अलावा आपको PDF भी मिलेगी इन वीडियोस की। इसके अलावा हम आपको असाइनमेंट्स देंगे, टेस्ट देंगे। टेस्ट होंगे, पहले एक एक यूनिट कंप्लीट होगी और उसके साथ टेस्ट होंगे, देन उसके बाद जब दो तीन यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद उनका एक मिक्स टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, और जब फाइनली आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपके टेस्ट जो है वो पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको दिए जाएंगे। तो ठीक है, उसमें आपके 100 के अबाउट क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से आपके सारे कोर्स को कवर किया जाएगा। अभी यहाँ पर आप अगर ऐप पर जाते हो तो ऐप पर आपको फ्री वीडियोस भी मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने वहां पर फ्री वीडियोस दिए हुए हैं। वैसे आप लोगों ने मेरे वीडियोस देख रखे हैं, आपको पता है मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ।
ठीक है, लेकिन वहां पर डेमो वीडियोस भी मिलेंगे आपको, और इसके अलावा आपके लिए एक प्री मॉक टेस्ट रखा हुआ है मैंने, ठीक है। आप इस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो आप जाइए, और ये रहा आपके लिए मॉक टेस्ट का लिंक, उस लिंक पर जाइए और आप अपने आप को चेक करिए आप क्या सारे क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगा पा रहे हैं। मीडियम लेवल के क्वेश्चंस रखे हैं मैंने, बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, तो प्लीज जाइए और उस मॉक टेस्ट को जरूर लगाइए, और उसके सॉल्यूशंस यहीं पर आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, ठीक है। तो टेस्ट को लगाइए, आप अपने नंबर देखिए, और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस देखने के लिए यूट्यूब पर आइए, यूट्यूब पर आपको उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, वीडियोस अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हो तो इसकी कीमत बहुत ही रीजनेबल रखी गई है। वैसे मैंने इसकी जो प्राइस थी वो 299 रखी थी, लेकिन इसमें मैंने आपका 500 रुपीज का डिस्काउंट रखा है, ठीक है। तो डिस्काउंट के बाद जो है आपकी प्राइस हो जाती है 2500, ठीक है। तो 2500 में आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स है, इसको आप जाकर परचेज कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं मोबाइल पर किस तरीके से, ये देखिए मैंने यहाँ पर वीडियोस भी डाले हुए हैं, आप इसमें देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पिक्स भी डाले हुए हैं किस तरीके से आपको ऐप डाउनलोड करना है। अगर आप मोबाइल पर जाते हो तो मोबाइल पर आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और नेम लिखना है प्रियंका जैन केमिस्ट्री, ठीक है। वहां पर आपके नेम लिखते ही ऐप दिखाई देगा आपको, उस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको देखिए एंटर द मोबाइल नंबर, आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, उसे आपको एंटर करना है, आपके वेरिफिकेशन आएगा, ओटीपी आएगा, उसको आपको SMS के द्वारा एक ओटीपी आएगा, उसको आपको डालना है और आपका वेरिफिकेशन कराना है। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5 आपका क्या होगा, देखिए सर्च फॉर योर कोर्स, यहाँ पर जाकर आप अपना कोर्स देखेंगे। अभी मैंने एक ही कोर्स डाला हुआ है तो आपको वही कोर्स दिखाई देगा, उस क्लिक पर आप जाइए, आई एम इंटरेस्टेड वाले टैब पर क्लिक करिए, ठीक है। आपको एक मैसेज आएगा, पेमेंट का लिंक आएगा, आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होंगे पेमेंट के लिए, आप किसी के भी थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप से करना चाहते हैं तो देखिए एक बार आपका, ये देखिए मोबाइल में अगर एक बार पेमेंट हो जाता है तो आप कॉन्टेक्ट पर आपकी एक्सेस बन जाती है, आप वीडियोस डेली देख सकते हैं। अगर आप डेली नहीं देख पाते हैं तो आपकी वीडियोस वहां पर अकोमोडेट होते रहेंगे और आप वीडियोस को देख सकते हैं अपने जैसा आपके पास टाइम हो उस शेड्यूल के अनुसार, ठीक है। वेब पेज के लिए अगर आप देखना चाहते हो, लैपटॉप पर आप क्लिक कर रहे हो तो आपको वेब पेज पर जाना है और अपने अकाउंट पर लॉग इन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कोर्स के लिए एनरोल करना है, आपको डिटेल्स फिल करने होंगे, जो भी आपके डिटेल्स है वो आप फिल करेंगे, आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको वेरीफाई करना है, उसके बाद आपको पेमेंट का मेथड सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको पेमेंट का मेथड सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये सब हुई ऐप के बारे में बात, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऐप परचेज कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पर मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने के लिए ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं, क्या होंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट होती है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में अगर आप देखते हो 2 मार्क्स के 3-4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो एक तो आपको शेप शेप के बारे में आइडिया होना चाहिए, वेस्पर्स थ्योरी यानी कि जो मेन चीज है ना, वेस्पर्स थ्योरी आपकी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो आप यहाँ से शेप, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ज्योमेट्री, ये सब कुछ फाइंड होना आना चाहिए। बॉन्ड एंगल आपको पता होना चाहिए किस तरीके से कंपेयर करते हैं, ओके। बॉन्ड ऑर्डर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार जो बॉन्ड ऑर्डर होते हैं वो आपको कंपेयर करने आने चाहिए। बेंट रूल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा डाइपोल मूवमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको केमिकल बॉन्डिंग में जरूर पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कोऑर्डिनेशन पे, कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन से कम 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, उसमें भी एक क्वेश्चन आप देख रहे होगा रेगुलरली पूछा जा रहा है, आउटर एंड इनर स्फीयर मैकेनिज्म से रिलेटेड। तो ये आपको पढ़ना है, आउटर एंड इनर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, ये पढ़ के जाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है मैग्नेटिक मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट को कवर करना है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आइसोमेरिज्म से भी पूछ लिया जाता है, तो ये टॉपिक आपका कवर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा टर्म सिंबल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टर्म सिंबल्स आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कोऑर्डिनेशन से। इसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स पर। देखिए, ऑर्गेनोमेटेलिक्स में अगर आप देखोगे तो आपसे मेटल मेटल बॉन्ड के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, मेटल मेटल बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, आपके 18 इलेक्ट्रॉन रूल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के, या फिर आपके आइसोनोमल एनालॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, एक होता है एनएमआर, जो ऑर्गेनोमेटेलिक्स से रिलेटेड एनएमआर होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक्स और एनएमआर को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया जाता है, वो क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से कंपाउंड को पहचान सकते हैं हम, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज होती है मेटल कार्बोनाइल्स। कार्बोनाइल्स की फ्रीक्वेंसी जो होती है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, या बैक बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। मेटल नाइट्रोसाइल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी कुछ टाइम से मेटल क्लस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफी पूछे जा रहे हैं, तो मेटल क्लस्टर्स आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा जो इसकी रिएक्शंस होती हैं कैटालिसिस वाली, होमोजीनस कैटालिसिस, जिसमें कि आपका विल्किंसन कैटालिस्ट है, इससे क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो ऑर्गेनोमेटेलिस्ट के जनरली सारे ही टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। कैटालिसिस में ये कैटालिस्ट है, या फिर आपका और भी जो दो तीन होमोजीनस कैटालिसिस की रिएक्शंस है, जो सारी काफी कुछ मैंने आपको यूट्यूब पे भी कराई हुई है, और जो मैं सारी आपको अपने ऐप पर जो कोर्स लॉन्च किया है उसमें देने वाली हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी होंगे और आपके जितने भी वीडियोस हैं ये सारे कुछ होंगे। पूरा कोर्स है आपका, काफी रीजनेबल प्राइस में, तो आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। ओके, अब ऑर्गेनोमेटेलिक्स के बाद जो दूसरा टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट्स या मेन ग्रुप केमिस्ट्री। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपसे सिलिकेट्स के क्वेश्चन का काफी पूछा जाता है, सिलिकॉन से पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे फॉस्फोरस के एंड सल्फर के जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं इनसे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एलोट्रॉप्स पूछ लिए जाते हैं। एलोट्रॉप्स आपके फॉस्फोरस के भी होते हैं, कार्बन के भी होते हैं, ये दोनों पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के जो एसिड्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ये कुछ चीजें हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या जीनोन के जो ऑक्साइड्स हैं आपके, या फ्लोराइड्स हैं, इनकी आपको शेप पता होनी चाहिए, इनकी केमिस्ट्री जनरल वे में पता होनी चाहिए, जो आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो ये सारे तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ये फोर्थ ग्रुप से है, ये फिफ्थ ग्रुप से है आपका। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो बोरेन्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। बोरेंस और इससे रिलेटेड जो वेट्स रूल होता है ना, निडो, अरेकनो, क्लोजो, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वेट्स रूल से रिलेटेड जो ये टॉपिक है ये आपको पता होना चाहिए, बोरेंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बोरोन के कंपाउंड्स भी पूछे जाते हैं, जैसे बोरिक एसिड के बारे में पूछा जाता है आपसे, बोराजीन के बारे में पूछा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं जनरली। ठीक है, अभी इसके अलावा ये कुछ टॉपिक्स हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन काफी इंपॉर्टेंट है, हीमोसाइनिन, इससे भी क्वेश्चन आता है आपका। एक जिंक का, जिंक के जो एंजाइम्स हैं आपके, जिंक के जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रिन्स, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ठीक है, ये सारे तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी आपसे विटामिन B12 के बारे में भी पूछा जाता है, या नाइट्रोजिनेज एंजाइम के बारे में पूछा जाता है, साइटोक्रोम के बारे में पूछा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में तो जनरल चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाला, जो आपका फॉर्मूला होता है डीके का, फॉर्मूला जो होता है, कुछ दो तीन फॉर्मूले जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन डीके वाले क्वेश्चंस के होते हैं, हाफ लाइफ के बारे में जो फॉर्मूला होता है, इनसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, या आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल निकलने पर क्या बचने वाला है, बीटा पार्टिकल निकलेगा तो क्या बचेगा, कितने अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, कितने बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, किस तरीके से रिएक्शंस को कंप्लीट किया जा सकता है, आपको इनकम्प्लीट रिएक्शन दी हुई है उसको कंप्लीट करना आना चाहिए, या फिर आपको न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आने चाहिए आपको, ठीक है। न्यूक्लियर एक्टिवेशन एनालिसिस, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे थे बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। बाकी फुल लेंथ कोर्स आपको मिलेगा, आप जाकर परचेज कर सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, और अच्छा लगता है तो ऐप से जाकर कोर्स खरीद सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर जो वीडियोस पढ़े हैं उसको भी आप देख सकते हैं, और उनपे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।